चैनल फैशन एडवाइजर एंड हेयर आई विल गिव यू सम ग्रूमिंग टिप्स। आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है परफेक्ट बियर्ड को कैसे ग्रो किया है, किस तरह से परफेक्ट बियर्ड को ग्रो किया है, तो बियर्ड को किस तरह से परफेक्ट शेप में लाया जाए। उसके बहुत सी होम रेमेडीज़ भी हैं और बहुत से प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि प्रोडक्ट्स है हमारा बियर्डो बियर्डो ऑयल जो भी मोस्ट आज के यंगस्टर में पॉपुलर है, सभी जानते हैं, सभी ने नाम सुना होगा। कुछ लोग उसे यूज़ करना चाहते हैं, कुछ बोलते हैं बहुत कॉस्टली है इसलिए नहीं यूज़ करना चाहते, बट अगर आपको परफेक्ट बियर्ड चाहिए तो शायद आपकी कुछ जेब से पैसे भी खर्च हो सकते हैं। तो आई डोंट थिंक लोग माइंड करेंगे इस पैसे खर्च करना, बट जो माइंड करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं होम रेमडीज यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए मैं वो मेरे नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करें। उसके लिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ होम रेमडीज़ लेके आऊँगा जिसके बारे में आपको बताऊँगा कि किस तरह से होम रेमडीज़ यूज़ करके परफेक्ट बियर्ड को भी शेप ला सकते हैं। तो बट उसके लिए आपको पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा फैशन एडवाइज़र, और साथ में लगी बेल को दबाना ना भूलें क्योंकि वो आपको नोटिफाई करता रहेगा कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आया है, जिस तरह से आप मेरा कोई भी वीडियो कभी भी मिस नहीं करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि बियर्डो को कैसे अप्लाई करते हैं। बियर्डो को अप्लाई करने के लिए पहले आपको अपना फेस धुलना पड़ता है। हाँ, मैं पहले से अपना फेस धुल के खड़ा हुआ हूँ इसलिए मैं आप अप्लाई करने जा रहा हूँ। अब ये मत कहना है कि अप्लाई करने फेस धुलने का कोई फ़ायदा नहीं, वैसे ही दिख रहे हो, आई नो, बट उसके लिए आपको बियर्डो ऑयल, यस यस बियर्डो ऑयल, नाउ यू कैन सी दिस बियर्डो ऑयल, यू कैन बाय दिस फ्रॉम अमेजन फ्लिपकार्ट ऑन कहीं से भी, ऑफलाइन भी मिलता है, ये मार्केट में अवेलेबल है, कहीं से भी आप ले सकते हैं इसको। इसके अप्लाई करने के बहुत ही सिंपल सा तरीका है, सिंपली फर्स्ट ओपन इट, नाउ टेक फ्यू ड्रॉप्स लाइक दिस, 1 2 3 4, ओके इट्स इनफ, नाउ पुट दिस टू फिंगर्स, टेक इट, रब इट हेयर, मोस्टली पैचेस यहीं पे होते हैं, नाउ दिस पे, यहाँ पे जहाँ पे पैचेस होते हैं, नाउ हेयर, यहाँ पे पैचेस होते हैं लोगों के, फ्यू पैचेस कम हेयर, हेयर अप्लाइड हेयर ईच कॉर्नर, जहाँ जहाँ पे भी आपको पैचेस हैं, आपको लगता है यहाँ पे बियर्ड कम आती है, आपके यहाँ पे बाल कम आते हैं, आपको वहाँ वहाँ अप्लाई करना है। तो करने के बाद आपको इन दो फिंगर्स को लेना है, इन दोनों फिंगर्स को यूज़ करें और इस तरह से सर्कुलर राउंड रोटेशन में इसको घुमाते जाएं चारों तरफ, इस तरह को करते जाना है, जहाँ पे भी है इसकी अच्छे से मसाज करते रहें आप, यहाँ पे इस तरह से अच्छे से मसाज करें इसको। मसाज करने का ये बहुत ही सिंपल तरीका है और ये आपको प्रोसेस कम से कम 2 से 3 मिनट तक, 2 से 5 मिनट भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, ये जितना ज़्यादा वर्क करेंगे ये उतना ज़्यादा ही इफेक्टिव है, उतना ज़्यादा ही वर्क करेगा ये वर्क है। जो मसाज करने से है वो आपके जो गालों का है, आपके बियर्ड के नीचे का है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है जो कि आपके बियर्ड को ग्रो करने में हेल्प करता है, न्यू हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये आपको करते रहना चाहिए और ये प्रोसेस आपको कम से कम दिन में तीन बार अप्लाई करनी चाहिए। फर्स्ट मॉर्निंग में जब आप सो के उठते हैं, उसके बाद आप अपना फेस धुलिए, फेस धुलने के बाद इस प्रोसेस को अप्लाई करिए। दोपहर में 2-3 बजे के बाद एक प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए आप इसी से कर सकते हैं। और उसका एक तरीका और होता है, आप इसको करने के बाद में एक और होम रेमेडी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, या मेरी ट्रिक कह सकते हैं, बट ये साइंटिफिक प्रूफ है। आप एक कॉम लीजिए लाइक दिस, टेक अ कॉम एंड अपनी आई को कॉम करिए लाइक दिस फॉर फ्यू मिनट्स, कॉम इट, लाइक दिस। अब आप सोचोगे मैं ये कॉम क्यों कर रहा हूँ, इसको इतनी छोटी सी दाढ़ी को कॉम करने का क्या मतलब है, इसके पीछे रीज़न है, ये आपके जो गालों का सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन है, ये उस सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। तो आप मिनिमम आप दो से तीन मिनट तक इसे कॉम करते रहिए, तो ये आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाएगा जिससे कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो परफेक्ट शेप में आएगी। परफेक्ट शेप से कहने का मतलब है कि इसको हमने ग्रो किया, जितना सर्कुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, उतना ज़्यादा हमारी जो न्यू सेल्स हैं वो डेवलप हो रही हैं अंदर से, तो वो हमारे बालों को ग्रो करने में हेल्प करेंगी। तो ये सिंपल सी प्रोसेस थी जो मैंने यूज़ कर ली, आप इस प्रोसेस को यूज़ करिए घर पे, अप्लाई करिए 2-3 बार करिए। लेकिन हाँ, कुछ लोग होते हैं जो एज जिनकी कम है, अगर आप 17 ईयर्स से कम एज है आपकी, तो आपके लिए ट्राई करना आई डोंट थिंक ये सही है, क्योंकि हेयर जो ग्रोथ होती है वो जो बियर्ड आनी स्टार्ट होती है हमारी वो 17 के बाद ही आनी स्टार्ट होती है, 17 से 21 25 इसके आगे तक ये कंटिन्यू रहती है, आपकी बियर्ड परफेक्ट शेप में बनती जाती है। बट कुछ हैं आजकल जैसे हैं, कुछ बच्चे हैं वो कहते हैं नहीं हमें पहले से ही चाहिए, 12-14 साल के हुए नहीं कि नहीं उन्हें परफेक्ट बियर्ड चाहिए, आजकल बियर्डो मैन, गर्ल्स लाइक बियर्ड, मैन विद बियर्ड दिमाग में बैठा हुआ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वेट करिए, अगर आपकी एज नहीं, वेट करिए, आपकी बियर्ड प्रॉपर तरीके से अपने आप आ जाएगी। बट अगर आपकी एज हो चुकी है और आपकी बियर्ड नहीं आ रही, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में मेरे आने वाले हैं, उनमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह से होम रेमडीज़ यूज़ करके
आप अपनी बियर्ड को परफेक्ट शेप में ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सब्सक्राइब का बटन दबाना है और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए कि किस तरह मैं होम रेमेडीज़ को लेके जाता हूँ। ओके, सो साथ में बेल आइकन, प्लीज़ 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 इज माई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।